हे गाइस, बीटू आई टी हियर। तो आजकल ना यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ अलग ही सीन चल रहे हैं। मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं 2 दिन से कोई वीडियो ढंग से नहीं डाल रहा था। प्री रिकॉर्डेड थे, वो अपलोड कर रहा था। तो भाई भाई, अभी देखो, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है ना, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं आगे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करने वाला, सो प्लीज़, ठीक है ना? कोई भी क्रिएटर अगर देख रहा तो मत बनाना कोई भी वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं लूफी भाई के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले मेन टॉपिक पे आते हैं। मेरी आइडिया हैक हुई थी कि नहीं हुई थी? गाइस, अभी यूट्यूब पे 90% बंदों, मतलब 50% बंदों को तो पता है हैक हुई थी, पर 50% बंदे ये सोच रहे हैं आईडी मेरे पास है। तो गाइस, अभी देखो, मैं पहले कुछ बात बताता हूँ, फिर आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि अपनी आईडी को 17 डेज या 18 डेज इतना ज़्यादा ऑफलाइन रखेगा, वो भी इतनी हाई लेवल वाली आईडी को। और आपको पता होगा आजकल तो लेवल की रेस चल रही है, किसका हाई लेवल होगा, ठीक है? तो पहली चीज़ यहाँ पे, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये आईडी, ये देख लीजिए, ये चैट है, ये चैट है 14 अप्रैल की। बस ये चैट में कौन है मैं कुछ नहीं बताने वाला, ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे, लेकिन भाई इग्नोर मारो, हमें कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी है, मैं सबको सॉरी बोल चुका हूँ। ये चैट पर पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया था गाइस, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया कि हाँ, मेरे पास कुछ तो है। लेकिन गाइस प्लीज़, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज है लूफी ओपी के लिए, ठीक है ना लूफी भाई, आपके लिए, क्योंकि आप तो ब्लॉक करके चले गए थे आगे की बात सुने बिना। तो गाइज़, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि 14 अप्रैल को यहाँ पे मेरा मैसेज है, तो मेरा आईडी पासवर्ड गया था। तो गाइज़ प्लीज़, किसी को भी हेट नहीं जाना चाहिए मेरी तरफ से। एंड आप लोग अनसब्सक्राइब मार के जा रहे हो मेरे को, क्या बात है भाई? बिना एक साइड की बात सुन के आप लोग अनसब्सक्राइब मार देते हो, ठीक है ना? अब मैंने अपनी आईडी का सीन क्लियर कर दिया, मेरी आईडी हैक हुई थी। अब सेकेंड पॉइंट, बेटू आई टी नहीं, मैं 2 पॉइंट और कवर करता हूँ। पहले लूफी भाई एंड गरीब भाई का मैसेज का रिप्लाई दे देता हूँ, एंड ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बताता हूँ। गरीब भाई ने ये बात कही थी राजा को ग्रुप में बुला के कि लाइक ये फेक कॉन्ट्रोवर्सी थी, ठीक है, ऐसी बात कही थी ना। तो गाइस, उसका प्रूफ भी मेरे पास है, अगर वो मैंने दिखा दिया तो गरीब भाई फालतू में कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं नहीं दिखाने वाला। अभी आते हैं थर्ड बात की तरफ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईडी का प्रूफ दिखा दिया, तो ये फेक कॉन्ट्रोवर्सी थी नहीं, मेरी आईडी हैक हुई थी। किसी को भी हेट नहीं जाना चाहिए, सबको सॉरी। थर्ड बात की तरफ, लूफी भाई का नंबर लीक कर दिया। हाँ, यहाँ पे मेरी गलती थी कि मेरे से लूफी ओपी का नंबर गलती से लीक हो गया था लूफी भाई का, तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ। एंड लूफी भाई, आपको एक साइड की बात दिखती है हमेशा, मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लूफी भाई का नंबर मेरे से गलती से लीक हुआ था लाइव स्ट्रीम में, ठीक है, वो बोल दिया था, मुझे भी नहीं पता था वहाँ पे नंबर कोई बंदा बोल देगा लूफी भाई का, क्योंकि लाइव स्ट्रीम डिले चलती है। तो जब तक मैं लाइव स्ट्रीम की ऑडियो सुन रहा था, तब तक मुझे समझ में आया, तब तक मैंने यह लाइव स्ट्रीम पॉज करी, पर वो डिले की वजह से पूरा नंबर वहाँ पर बोल दिया गया, तो अब मेरी प्रॉब्लम समझ गए। जैसे ही लाइव स्ट्रीम फिर मैंने ख़त्म कर दी थी 10 मिनट के अंदर, एंड लाइव स्ट्रीम को मैंने प्राइवेट कर दिया था। तो सोच सकते हो मैंने लाइव स्ट्रीम इसलिए प्राइवेट करी ताकि लूफी भाई का नंबर किसी पर ना पहुँचे। एंड नेक्स्ट चीज़ कि लूफी भाई का नंबर मैंने लीक कर दिया, मेरी गलती थी, मेरे को इतने लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया। एंड आप एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पे लूफी भाई ने मेरा नंबर लीक कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट पे। भाई आपका नंबर नंबर है, मेरा नंबर नंबर नहीं है। खैर, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि लूफी भाई आपने मेरा हेल्प किया था इन सबसे पहले। तो गाइस देखो, ये बात सिर्फ इसलिए है। एंड हाँ, अभी मैं मीना सर्वर में शिफ्ट हो गया हूँ, तो कुछ बंदे ना, भाई देखो, बंदों का काम होता है कहना, तो बस उन कहने की वजह से मैं अभी इधर आ गया हूँ, क्योंकि बाकी बंदों का भी गलत दिमाग में जा रहा है। तो अभी मैं इंडियन सर्वर में वापस आया हूँ, सिर्फ इस वजह से। मैं कोई वैसा कुछ नहीं करने वाला कि परमानेंट रिटर्न हो। भाई मैंने कहा था कि मैं आडम के साथ ग्रैंड मास्टर टॉप 1 करूँगा, तो अभी गाइज मेरा स्कोर आप देख सकते हो स्क्रीन पे 5900 करके है। तो मैं रैंक कुछ फिर से चालू कर रहा हूँ, बेटू आईटी 200 के नाम रख के उस बंदे से मैंने आईडी वापस लिया। रैंक उस भाई अभी ग्रैंड मास्टर भी दूर है मेरे लिए, एंड मैं ये इम्पॉसिबल चैलेंज फिर से कंप्लीट करके दिखाऊंगा, सिर्फ उन बंदों के लिए जो ये कह रहे हैं कि भाई तू टॉप 1 नहीं कर सकता था, तेरे बस का नहीं था, बस तूने बोला था। तो ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है कि भाई मैं टॉप 1 कर सकता हूँ, एंड मैं फिर से पुश चालू कर दूंगा। अभी इतना स्कोर पीछे है ना मेरा कि भाई ऐसे में ग्रैंड मास्टर लगाना भी नामुमकिन है, एंड वो भी मैं करके दिखाऊंगा। ग्रैंड मास्टर 4 दिन के अंदर लग जाएगा, एंड रैंक सीजन एंड होने में लगभग अभी 1 मंथ है, 1 मंथ से भी ज़्यादा है, तो भाई उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है? बेटू भाई को इतना एक्सपीरियंस है, बेटू भाई को। एंड अब मैं रैंक एम की वीडियोस भी डाल दूंगा। मैंने इस वीडियो में अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब मैं थैंक यू कुछ बोलो लोगों को बोलना चाहूँगा, एंड सॉरी कुछ लोगों को बोलना चाहूँगा। सॉरी मैं बोलता हूँ किन को? लूफी भाई को, गरीब भाई को, एंड
आदिटेक को एंड बाबा भाई टी को, क्या इनका नाम मुझे नहीं लेना क्योंकि इन वन भाई को बीच में आना नहीं है, तो लुफी भाई को सॉरी, गरीब भाई को सॉरी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई हो, एंड थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा लुफी भाई को, कैजुअल गेमिंग को, स्वयं ऑफिशियल भाई, स्वयं भाई बहुत साले बोलते हैं, स्वयं भाई को एंड कैजुअल गेमिंग को एंड लुफी भाई, गरीब एंड कौन था भाई, सॉरी अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो, ठीक है, इन लोगों को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, आपने मेरी हेल्प करी थी उस टाइम पे, बट मैं पीछे हट गया था, सॉरी वो कॉन्ट्रोवर्सी ओवर, एंड मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो ना बनाए प्लीज़, मैं अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ एंड आप लोग अपना करो। बेटू भाई को आप चाहते हो ना टॉप वन पे देखना, ये सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मैं टॉप वन नहीं कर सकता, तो गाइस इम्पॉसिबल चैलेंज शुरू हो चुका है, बी रेडी बेटू भाई, जल्दी आपको दिखेंगे ग्रैंड मास्टर पे एंड फिर टॉप वन सून, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। जो भी भाई किसी को भी अगर बुरा लग रहा हो ना तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना, मैं ये वीडियो को प्राइवेट या पर्सनल प्राइवेट कर दूंगा, प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक कोई भी मत देना, एंड कंट्रोवर्सी एंड हो चुकी है बिल्कुल, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो, मैं अपना रैंक पुश पे ध्यान देता हूँ। एंड गाइस मेरा काल वाईटी के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चला, सब खत्म हो गया, ठीक है, अगर हो सके तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर